आप सभी लोग वेलकम बैक एक और GT5 की वीडियो में गाइस। लिटरली काफी समय बाद हमारी GT5 की वीडियो आ रही है, तो उसके लिए वेरी सॉरी क्योंकि भाई मेरे को एडिट करने में एंड इसको खेलने में काफी समय लग गया था, मिशन काफी हार्ड था। सो तुम्हारे भाई ने मोबाइल में जैसा था इस मिशन को कंप्लीट किया एंड लिटरली मैं इसको बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट जो भी हो परेशानी तो कुछ भी नहीं होने वाले, बट ये गेम काफी शानदार है। सो लेट्स गो माइकल, यहाँ पे अपने आज को सुट्टा उट्टा मारने के लिए मस्त सा। सो हम लोग यहाँ पे सुट्टा मारेंगे, एडवांस से गाने वगैरह सुनेंगे एंड उसके बाद चलेंगे अपने मिशंस पे। सो लेट्स गो। यहाँ पे माइकल आराम से बैठा है एंड सन शायद शाम का टाइम हो चुका है एंड फ्रैंकलिन इसके पास आ चुका है फिलहाल। ओके फ्रैंक से मैं बात कर रहा हूँ गाइस, अभी फ्रैंक काफी कुछ कह रहा है, बट फ्रैंक कह रहा है भाई काफी से सुट्टा मारा, मेरे को भी दो चार मार रहे, ये तो मैं गप मार रहा था, लिटरली ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। बट अभी फ्रैंक कह रहा है कि कहीं जाना है, तो लेट्स गो गाइस, हम लोग चलते हैं सीधा यहाँ से। तब तक तुम्हारे हमारे चैनल पे नए हो अभी विजिट किया है तो याद से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो पर लाइक एम करते हैं 10 लाइक का एंड सब्सक्राइब एम करते हैं मात्र 2 या 3 एम्स का। सो लिटरली जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करो एंड नेक्स्ट GT5 वीडियो में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज याद से छोटे से एम को पूरा कर देना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर ही देना लिटरली। चलो लेट्स गो, मिशन क्या है भाई? ओके चलो, मेरी यहाँ से जिमी से बात हो रही है, जिमी कह रहा है कि जो डैड हमारी याद से थी जो बोट थी उसको पता नहीं किसी ने चोरी कर दिया, तो जिमी वहीं पे था बोट में, रात को गुस्से होकर चला गया था माइकल से क्योंकि माइकल ने उसको पीटा था भाई, ज़्यादा दिन गेम खेल रहा था इसीलिए हमें पीटते हैं कभी कभी माता पिता, बट इतना पीटा कि वो यहाँ पे चला गया, वो ने बोला याच पे जाऊँगा एंड याच पे था वो, बट याच वहाँ से चोरी हो गई एंड वो यहाँ पे याच पे ही था। सो चोरों ने याच के साथ ही जिमी को उठा लिया। सो लेट्स गो, हम और फ्रैंक जाएंगे एंड चुरा के लाएंगे। सो लेट्स गो, गाड़ी को भगाते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ काफी समय बाद, नहीं काफी समय बाद क्या, थोड़ी गाड़ी भगाई है, मैं बोलना चाहता था बट अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं सोच रहा था कि स्किप करूं, बट अब मैं स्किप नहीं करने वाला क्योंकि सीधा चलना पड़ेगा मेरे को एंड गाड़ी काफी स्पीड में भगा रहा हूँ, बट भाई टक्कर ना खा जाए। अबे यार मैं इतनी देर से बचा के ला रहा था, बट यहाँ पे इस ट्रक वाले ने पूरी मेरी मिशंस की खजिया उड़ा दी गाइस लिटरली, देख रहे हो यार क्यों भे यार बच गए यहाँ पे फिर से, वरना गाइस मैं यहाँ पे फिर से टकरा जाता, बट कोई ना अब तो चलो यहाँ से। एंड ये क्या भाई ताजमहल बना दिया क्या तुम लोगों ने यहाँ पे? सो लेट्स गो, ये भाई ट्रक्स कितने के होंगे मेरे को परचेस करना पड़ेगा भाई, मैं भी यहाँ पे मतलब मिट्टी विट्टी उठाऊँगा एंड काम करूँगा भाई लिटरली, क्योंकि मेरे पास मजदूरी है भाई, ऐसी मजदूरी नहीं है सो इसलिए मैं ये भी करना चाहता हूँ। बट ऐसे तुम्हारे भाई के पास कोई चीज़ नहीं थी, बट मैं तो मजाक कर रहा था क्योंकि भाई एक तो हमारे लॉस सैंटोस सिटी का सबसे बड़ा चोर हमारे पास है जिसका नाम है माइकल एंड उसके साथ उसके दो बड़े बड़े चोर हैं जिसका नाम है फ्रैंक एंड ट्रेवर। सो मेरे को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला कि मैं यहाँ पे मजदूरी करूँ, लिटरली मैं हाईवे पे आ चुका हूँ। उसने मुझे बोला वैसे पूछी हाईवे बोला कुछ ऐसा ही नाम बोला था, मेरे को अभी याद नहीं है फिलहाल के लिए एंड वो जा रही याच अपनी। सो पीछे करते हैं एंड याच पे चढ़ेगा फ्रैंक। सो लेट्स गो, यहाँ पे फ्रैंक के पास, अरे यार क्या ही थका रहा है यार, ये तो हैवी ड्राइवर निकला यार। लो प्रॉब्लम इश्यूज स्टार्टेड, ये मेरे प्रॉब्लम आ लेट्स गो, मैं यहाँ पे गाड़ी भगा रहा हूँ एंड मेरी प्रॉब्लम शायद ठीक हो गई। ओके लेट्स गो, अब मैं इसे आज को कैसे भी करके पकड़ लूँगा क्योंकि भाई काफ़ी समय से ये आज काफ़ी भगा रहा है तेजी से, बट यहाँ पे आज के पास आ चुका हूँ मैं एंड ये ट्रक भाई इतना कैसे फास्ट भगा रहा है। एक तो भाई इसके पास ट्रक है जो इससे ये मतलब, ओके फ्रैंक चढ़ना यार क्या कर रहा है तू नूबड़ा बनती। लेट्स गो, फ्रैंक चढ़ चुका है अब कोई बात नहीं क्योंकि अब मैं यहाँ पे भगाऊंगा। ओ भाई आज तो काफ़ी सेफेस्ट निकल चुका हूँ, रोज़ मेरी यहाँ पे वो जो गाड़ियाँ घिरती हैं वहाँ पे टक्कर होती है एंड यहाँ पे नहीं होती, बट आज यहाँ पे हो गई भाई, तभी तो सोच रहा हूँ कि टक्कर क्यों नहीं होती मेरी। सो यहाँ पे हो चुकी है टक्कर एंड अभी मैं भगाऊंगा इसको। चल भाई अब तेज दौड़ ले भाई, कूड़ादान भी मेरे अंदर फेंकेगा तू, कितनी ठुकवाएगा यार मेरी गाड़ी, पता नहीं क्यों मेरे पीछे लग चुके थे बंदे। सो यहीं पे मैं आ चुका हूँ एंड लो भाई क्यों ठुक रही है, अरे ओ अरे रुक जा भाई, क्या ही फग रही थी, बस गाइस बच गया मैं यहाँ पे, लकीर आया बता नहीं फिर से मेरा मिशन फेल्ड हो जाता एंड मैं प्रॉब्लम में फंस जाता, बट कोई ना तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे मर्जी करके यहाँ पे पीछे भगा रहा हूँ एंड गोली चलाने की पूरी कोशिश है एंड गोली चला भी सक्सेसफुल, यार एक गोली तो मेरी लग गई आज काफ़ी समय बाद गाइस तुम्हारे भाई ने गोली चलाई थी, क्योंकि भाई गाड़ी चलाते वक्त एक तो मेरे हाथ से 4 फिंगर से मैं यूज़ कर ही नहीं पाता, 2 फिंगर्स के अलावा मैं खेल ही नहीं पाता ज़्यादा, बट आज जैसे भी हो मैंने कर दिया एंड यहाँ से मेरे को भागना पड़ेगा गाड़ी को एंड हाईवे है भाई
रुक जाओ यार, कम से कम पकड़ने दे मेरे को तू। भाई क्या बंदा है यार, इतनी भगा रहा है। कोई ना, मैं यहाँ से भगाता हूँ। एंड भाई ट्रक क्यों भगा रहे मेरे पास में यार। लेट्स भाई फ्रैंक को छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे। अभी छोड़ देना, क्यों मार रहा है यार बेचारे को। बट गाइस मैं फ्रैंक बन सकता, बट फ्रैंक अभी कुछ कर भी नहीं सकता यार फिलहाल के लिए। एंड मैं गोली पे गोली चलाए जा रहा हूँ, चलाए जा रहा हूँ। एंड अभी तक मेरे पास कोई नतीजा नहीं निकला है। लेट्स स्टार्टेड, काफ़ी समय हो चुका है मेरे को यहाँ पे भगाते हुए एंड दौड़ाते हुए। फिलहाल मैं यहाँ पे जैसे तैसे करके उन दोनों बंदों को टपकाया था। भाई काफ़ी समय लग गया लिटरली, इतना समय मेरे को नहीं लगा था जितना। बट अभी जिमी लटक चुका है, सो हमारी प्रॉब्लम्स आगे से आगे बढ़ती जा रही, सॉल्व होने का नाम ही नहीं रहे। बट जिमी को तो मैं बचाने की आज पूरी कोशिश के साथ आया हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी है भाई। ओ यार जिमी को जाने दे प्लीज, प्लीज मत मार यार, मार मत प्लीज मेरे को। अरे नहीं यार, ये ट्रक क्या भगा रहा है यार। ओ भाई ओके, जिमी बच चुका है गाइस लिटरली। अब तेरी तो भैंस की टांग तेरी में है आज के, मेरी आज कभी छुड़वा भी लूंगा। बट तुम लोगों को इतना मारूंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते मेरे यहाँ पे, क्योंकि तुमने भाई जिमी पे हाथ लगाया है। एंड फ्रैंक को मेरे बचा लूंगा। फ्रैंक तू टेंशन मत लियो। ओके फ्रैंक तो भाई सीधी चलांग लगाएगा एंड शीशे तोड़ दिए इसके, क्योंकि भाई फ्रैंक है कोई कम थोड़ी है, वैसे बंदा काफ़ी शानदार है। एंड माइकल का दोस्त है तो काफ़ी अच्छा दोस्त है। सो लिटरली एक दिन किसी दिन मैं इन सबसे रिव लाइफ में मतलब मिलूंगा, या फिर पता नहीं भाई क्या पता फ्रैंक कहीं पे, नहीं फ्रैंक को कुछ नहीं हो सकता, मिलेंगे किसी नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्या यार, कभी ना कभी मिलेंगे इनसे। सो वो हमारी सोच रह सकती है, बट अभी क्या ही कर सकते हैं, मेरे को जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो, हम लोग भगाते हैं गाड़ी को एंड चलते सीधा जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गाड़ी ख़राब हो चुकी है। सो इसी वजह से मैं यहाँ से तो नहीं बचा पाया, बट जिमी को तो मैं बचा ही पाया, क्योंकि भाई आज बचा पाता तो शायद गाड़ी बीच में टूट जाती, फूट जाती एंड हम लोग चले मर जाते। सो इसीलिए मैंने याच को बचाने के बजाय जिमी एंड फ्रैंक को बचाना ज़रूरी समझा। सो इसी बीच हमारी गाड़ी की हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं तो सोच रहा था स्पोर्ट्स कार लेकर आऊँ, बट स्पोर्ट्स कार में ये प्रॉब्लम थी कि जिमी वहाँ पे खेलता ही नहीं ऊपर एंड जिमी मारा जाता, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया था यार। वरना उससे तो मैं आता तो काफ़ी जल्दी ही मैं ट्रक पे चढ़ जाता एंड, बट फ्रैंक वहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ पाता है, ये प्रॉब्लम थी। इसलिए मैं अमेंडा की कार लेकर आया था। एंड लेट्स गो, यहीं कहीं पे तो है भाई उसकी शॉप, बट मेरे को अभी तक वो मिली नहीं है। लेट्स गो नीचे चलते हैं वहाँ से एंड सीधा का सीधा मिलते हैं वहीं पे जाके जहाँ पे ये लॉस सैंटोस कस्टम की शॉप है। सो लेट्स गो, 1, 2 एंड 3। ओके यहीं पे मेरे को नीचे जाना है एंड फिर यहाँ पे कहीं से शायद टर्न लेने पे मेरे को तो यार मेरी गाड़ी मट हो गया यार। अब कहीं पे ब्लास्ट हो गई तो गाइस मैं फ्रैंक मैं और जिमी तीनों मारे जाएंगे एंड फिर से मेरे साथ कौन सी प्रॉब्लम होगी मैं नहीं जानता, क्योंकि भाई तीनों का मरना एक अपसुकून हो गया। लेट्स गो गाइस, हम लोग आ चुके गाड़ी को भगाते, मेरे को कब पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पे शॉट डाला था, बट अब कुछ नहीं हो सकता। लेट्स ट्राई, जल्दी से एक कमेंट कर दो प्यारा सा, मैं तुमको वो शाउट आउट भी दूंगा जरूर से याद से। तो प्लीज याद से सब्सक्राइब बटन को एंड एम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने यार। 2 सब्सक्राइब एम बहुत छोटा एम है, तुम लोग आई होप तुम लोग कर ही दोगे इसको जल्दी से जल्दी। 2 क्या 4 भी कर दोगे, बट तुम लोगों की मेहरबानी होगी तभी ये हो पाएगा संभव। लेट्स स्टार्टेड एंड ये लॉस सैंटोस की कस्टम की शॉप है, बट मेरे चूज करने वाला था किसकी भाई, उसकी अपने बंदा है ना उसका नाम है, हाँ शायद बेनी नाम है उसका गाइस, तुम लोग कमेंट में बता देना। वहीं से मेरा इसको ठीक हुआ था, इसका नाम है अप्रेन मैच, क्या नाम है भाई इतना बड़ा नाम। लेट्स गो, मैंने गाड़ी को रिपेयर करवा दिया एंड हम लोग चलते सीधे यहाँ से, काफ़ी अच्छी रिपेयरिंग करवाई है, बट पैसे जिमी के पापा देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, क्योंकि माइकल के इसके लिए जितना पैसा देगा हम लोग उससे ज़्यादा खर्चा करने की तैयार है। पहले मैं साउंड ऑफ करता हूँ एंड ऊपर के टफ लगाते हैं, रुको। ओके ये इस गाड़ी की खास बात है जो मेरे को मस्त लगती है गाइस, क्योंकि एक तो इसका टफ जो है भाई येलो क्या मस्त लग रही है अभी, इसको कोई पहचान भी नहीं पाता कि ये गाड़ी कौन सी है भाई, एकदम ऊपर से लगती है तो सोचने अब कोई बता ही नहीं सकता वो पहली वाली गाड़ी थी। बट कैसे भी करके मैंने मतलब ये भाई मेरे को ज़्यादा पता नहीं था, बट जैसे मैंने बटन दबाए तो ये हो गया, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेट्स गो गाइस, हम लोग मिलते हैं माइकल के घर पे जाके, क्योंकि माइकल के घर पे इस गाड़ी को छोड़ना है एंड वहाँ से हम लोगों को तो निकलना पड़ेगा अपने घर के लिए। सो लेट्स गो गाइस, मैं गाड़ी को भगाता फुल स्पीड में यहाँ पे आ चुका हूँ एंड यहीं पे अरे हटाना यार क्यों ठोकवा रहा है यहाँ से, मैंने रास्ते में काफ़ी गाड़ी को ठोक दिया, इतने तो नहीं ठोकी कि माइकल परेशान हो जाए, बट ठोकी तो है। लेट्स गो, अरे ठोक मत प्लीज़।
सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड मिशन हमारा हो चुका है कंप्लीट। चल जिमी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। एंड यहाँ से जिमी, तू भी हमारे चैनल पे नया है तो विजिट कर ले एंड सब्सक्राइब बटन को दबा दे।